चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी की गारंटी, युवाओं के लिए खतरे की घंटी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहां गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा और रेलवे का निजीकरण न करने का भरोसा। साथ ही कहा एक बात बिल्कुल साफ है, मोदी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी है। हमें युवाओं के हक और न्याय के लिए आवाज उठानी ही होगी। आज देश का हर तीसरा युवा बेरोजगार है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में डुबकी लगाई। रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना के इस दौरान प्रधानमंत्री ने हाथी को गुड़ खिलाकर लिया आशीर्वाद और सुनी काबार रामायण। आंखों पर पट्टी के बिना रामलला की मूर्ति की तस्वीर हुई वायरल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने की जांच की मांग। कहा प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने से पहले भगवान राम की मूर्ति की आंखें नहीं खोली जा सकती। जिस मूर्ति में भगवान राम की आंखें दिखाई दे रही वह असली मूर्ति नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। असम में यात्रा के काफिले पर हुआ हमला। भाजपा युवा मोर्चा पर लगा आरोप। कांग्रेस बोली बीजेपी के गुंडों ने पोस्टर और बैनर फाड़े। गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। मुसलमानों से सिस्टमिक तरीके से छीनी बाबरी मस्जिद। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले विवादित जगह पर रात में रखी गई मूर्तियां वहां मस्जिद थी, है और रहेगी। 1 लाख गांव तक पहुंचेगा भाजपा का किसान मोर्चा। इसके अलावा देश में किसानों को लेकर 2 बड़े अधिवेशन भी किए जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने कसी कमर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने बिहार में बढ़ाया सियासी पारा। RJD और JDU ने बुलाई बैठक। डिप्टी CM तेजस्वी यादव बोले जब से लालू और नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया है तब से भाजपा परेशान है। उसी हताशा के तहत वे इस तरह के बयान दे रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे पीएम मोदी। 3 घंटे मंदिर में बिताएंगे। इस दौरान मंदिर परिसर में लगी जटायु की प्रतिमा का इनॉग्रेशन करके करेंगे पूजा। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी। फ्रांस के बैंड मार्चिंग कंटिंजेंट के साथ 2 राफेल जेट ने की फ्लाई पास्ट रिहर्सल। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर यानी X में आया ऑडियो वीडियो कॉल का फीचर। अब यूजर्स इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की तरह ट्विटर से भी ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं। ट्विटर का यह नया फीचर यूजर्स को एक नया एक्सपीरियंस देगा। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी किया एक देश एक चुनाव का विरोध। समिति को लिखी चिट्ठी, कहा वन नेशन वन इलेक्शन संसदीय लोकतंत्र के विचार, संविधान की मूल संरचना और देश की संघीय राजनीति को पहुंचाएगा नुकसान। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर नहीं सुलझ पा रहा पेच। CM ममता बनर्जी बोली इंडिया गठबंधन में TMC की महत्वपूर्ण भूमिका। अगर हमें तवज्जो नहीं मिली तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। अयोध्या पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा ताला। 400 किलो वजन वाले ताले की चाबी 4 फीट लंबी है, क्रेन से उतारा गया। पंजाब हरियाणा और दिल्ली में कोल्ड वेव का रेड अलर्ट। UP बिहार सहित 8 राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति। वहीं मध्य प्रदेश राजस्थान में सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी। राम मंदिर का प्रसाद बताकर अमेज़न पर बेची जा रही मिठाइयां। CCPA ने नोटिस भेजा तो कंपनी ने प्लेटफॉर्म से हटाया प्रसाद बिक्री का ऑप्शन। बाबरी मस्जिद ही नहीं रही तो दिल्ली में बाबर रोड का क्या काम। राष्ट्रीय राजधानी में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने बाबर रोड की पट्टिका पर लगाया अयोध्या मार्ग का स्टिकर। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन 22 जनवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के दफ्तरों में रहेगा अवकाश। रिलायंस इंडस्ट्री के CMD मुकेश अंबानी ने किया ऐलान। धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। का धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का स्थानीय भाषा में ही हो धर्मांतर और विवाह का सर्टिफिकेट। इसके अलावा दायर करना होगा हलफनामा। भारत में नहीं रुक रहा गोवध, इसलिए भगवान राम के सामने नहीं जा सकता। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने की बताई नई वजह। का जिस गो रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया वही गो माता आज पीड़ित है। खुशखबरी, भारत में धूम मचाएगा एलन मस्क का स्टारलिंग। अगले हफ्ते मिल सकती है मंजूरी। बीजेपी का दौरा चरित्र हुआ उजागर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर बोला हमला। कहा हमने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में भव्य रामलीला मंचन की इजाजत मांगी थी और किराया भी दे दिए थे लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। 75वें गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों को पीएम मोदी दिखाएंगे भारत की विविधता की झलक। 25 जनवरी को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो होने की संभावना। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच भगवान राम को मिल रहे ढेर उपहार। दुनिया का सबसे बड़ा ताला पहुंचा अयोध्या तो किसी ने भेजा खास लड्डू। वहीं भगवान राम की मूर्ति को देख बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने की मूर्तिकार की तारीफ। बोली आज मेरी कल्पना सच हुई। किसी दल के नहीं पूरे देश के हैं भगवान श्री राम। NCP प्रमुख शरद पवार इंडिया ब्लू के साझेदारों से बोले केंद्र में जब तक बीजेपी की हार न हो जाए तब तक न करे आराम।
भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग कराएगी केंद्र सरकार। गृह मंत्री अमित शाह बोले, घुसपैठ रोकने के लिए दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट पर लगेगी पाबंदी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को दिल्ली में भी रहेगी आधे दिन की छुट्टी। सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव पर एलजी वीके सक्सेना ने जारी किया आदेश। मराठा आरक्षण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारगे का विरोध मार्च, कहा मराठाओं को मूर्ख बना रही महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, इस बार हम आरक्षण लेकर रहेंगे। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो बनाने वाले आरोपी आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी सफलता। पाक क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से तलाक की अफवाहों के बीच तीसरी बार किया निकाह। पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद को बना जीवन साथी, निकाह सेरेमनी की पहली तस्वीर आई सामने। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर निर्माण में लगे 2000 कारीगरों को दी गई छुट्टी, महीनों से 12-12 घंटे की दो शिफ्टों में कर रहे थे काम। गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेगी राजस्थान सरकार, राज्यपाल कलराज मिश्र बोली, पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में आनन फानन में जो योजनाएं घोषित की थी उनकी समीक्षा की जाएगी। राम मंदिर को लेकर जश्न मना रही पंजाब कांग्रेस, घर घर जाकर मिठाइयां बांट रही प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावंडिंग, कहा भगवान श्री राम हम सबके हैं और ये पूरे भारत के लिए महान दिन है। भारत के बाद जापान ने रचा इतिहास, मून पर ही सफल लैंडिंग चांद के रहस्य उजागर करेगा स्नाइपर, ऐसा करने वाला पांचवा देश बना। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि यह सॉफ्ट लैंडिंग हुई है या हार्ड लैंडिंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के हेमू कालाना स्टेडियम में 11,000 लोगों के साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। पीएम मोदी की गारंटी, युवाओं के लिए खतरे की घंटी, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा और रेलवे का निजीकरण न करने का भरोसा, साथ ही कहा एक बात बिल्कुल साफ है, मोदी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी, हमें युवाओं के हक और न्याय के लिए आवाज उठानी ही होगी। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब देश का हर तीसरा युवा बेरोजगारी का शिकार है तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया है। उन्होंने कहा इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18 से 18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ हुआ है जो छोटे छोटे किराए के कमरों में रहकर बड़े सपने देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जहां रेलवे में लाखों पद खाली हैं, वहां 5 वर्षों के इंतजार के बाद मात्र 5,696 पदों की भर्ती, प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि रेलवे में भर्तियों को कम करने की नीति आखिर किसके फायदे के लिए बनाई जा रही है। कांग्रेस नेता ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि कहां गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा, कहां गया रेलवे का निजीकरण न करने का भरोसा। उन्होंने कहा कि एक बात बिल्कुल साफ है, मोदी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी है, हमें युवाओं के हक उनके साथ न्याय के लिए आवाज उठानी ही होगी। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अरुणाचल प्रदेश पहुंच गई है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर की हिंसा आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का नतीजा है। उन्होंने कहा भाजपा की विचारधारा को लगता है कि भारत को दिल्ली से चलना चाहिए, उनका मानना है कि देश में हर जगह हिंदी भाषा होनी चाहिए। राहुल ने कहा लेकिन मेरा मानना है कि आपकी भाषा भी हिंदी जितनी ही महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बीजेपी बौखला गई। उन्होंने कहा कि असम के लखीमपुर में कांग्रेस के होर्डिंग्स और वाहनों में तोड़फोड़ की गई, बीजेपी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए इस तरह के हमले हो रहे हैं। माकन ने कहा मैं बीजेपी और असम के सीएम से कहना चाहता हूं कि ऐसी हरकतें न करें, हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है। उन्होंने कहा जेपी नड्डा के जुलूस को इस रास्ते से शांतिपूर्वक गुजरने दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्यों शांति से नहीं गुजर सकती।